वादी वलगम सैंड कोकनाथ जम्मू कश्मीर से, और एग्रोटेक प्लांट से मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी इनोवेशन बनाई है एप्पल कैचर किल पर। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे जब हम एप्पल उतारते हैं या संतरे उतारते हैं, आम उतारते हैं, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती है एप्पल उतारने में या संतरे उतारने में, टाइम भी लग जाता है। तो जैसे कि अगर हमें दूर शाखों के ऊपर हमारे एप्पल होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि वो उतारना। तो जो एप्पल कैचर किल्पर है ये इजी तरीके से हम ऐसे करते हैं, तो फ्लिपकार्ट करके जो एप्पल आता है वो इसमें आ जाता है। अब जो ये है ये राफ मॉडल है। अब मेरा नया मॉडल बनाने वाला हूँ जिसमें जो ये नेट है ये पूरा का पूरा नीचे तक रहेगा और ये फोल्डेबल रहेगा। अभी भी ये फोल्डेबल है तो बिल्कुल इजी तरीके से जो इसके फोल्डिंग सिस्टम है वो बढ़ जाएगा। और अभी मैंने इसमें ब्रेक रखी है, उसमें स्विच रहेगा, जैसे कि मैंने इसमें सीजर रखी है, इसमें मोटर रहेगा, यानी कि वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी थोड़ा न्यू हो जाएगा, और इससे हमें इजी हो जाएगा और इससे इजी हो जाएगा और फास्ट भी काम हो जाएगा। जैसे कि जब हम एप्पल उतारते हैं तो उतारते वक्त हमारे बहुत सारे एप्पल्स जो वेस्ट हो जाते हैं, एक तो हमें वेस्ट हो जाते हैं, दूसरा जो हमारे ये टहने होती है, जो ये लकड़ी होती है, जब हम इसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये बिल्कुल ईजी होता है तो ये टूट जाता है, तो उससे भी हमें नुकसान हो जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है। अभी भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए हैं, महाराष्ट्र से मुझे ऑर्डर्स आए हैं, पंजाब से मुझे ऑर्डर्स आए हैं, जम्मू कश्मीर से ऑर्डर्स आए, कश्तवाड़ से ऑर्डर्स आए, तो वो हम मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ MOU साइन करो, बट अभी भी मैं उनके साथ MOU नहीं साइन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करूँ, अच्छा सा प्रोडक्ट बना के फिर मैं उनके साथ MOU साइन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।